सो आज हम लोग बात करेंगे एनिमे वर्ल्ड की सबसे दो पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में। एनिमे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही पावरफुल कैरेक्टर्स हैं और वो हैं ड्रिप गोकू और डोरेमोन। अगर सोचो इन दोनों में एक घमासान युद्ध हो जाए तो इस फाइट को कौन विन करेगा? So guys, मैं पहले ड्रिप गोकू के बारे में बता दूं तो ये एक फैन मेड और नॉन कैनन कैरेक्टर है। ड्रिप गोकू का ड्रैगन बॉल सीरीज का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज देखेंगे कि ड्रिप गोकू वर्सेस डोरेमोन की फाइट में कौन विन करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डोरेमोन के बारे में। तो गाइस डोरेमोन इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो बहुत सारे एनिमे के कैरेक्टर्स को इजीली डिफीट कर सकता है अपने गैजेट की हेल्प से। उसके पास इतने सारे गैजेट्स हैं कि वो अपने अपोनेंट को बहुत ही इजीली तरह से डिफीट कर सकता है। सो गाइस चलिए डोरेमोन के तीन सबसे पावरफुल गैजेट्स के बारे में जान लेते हैं। सो गाइस नंबर 3 पे जो आता है वो है डिटेक्टर स्विच। गाइस इस गैजेट से वो पूरी दुनिया को गायब कर सकता है। नंबर 2 पे आता है वो है टाइम मशीन। इस गैजेट से वो फ्यूचर या पास्ट में ट्रेवल कर सकता है। जो नंबर 1 पे आता है वो है दो गैजेट्स। पहले गैजेट का नाम है फोन बूथ। गाइस इस गैजेट की मदद से वो पूरी पूरी रियलिटी चेंज कर सकता है। और दूसरे गैजेट का नाम है, वो तो गाइस सबसे पावरफुल गैजेट है, जिसका नाम है स्टॉप वॉच। गाइस इस गैजेट की मदद से तो वो पूरे पूरे के टाइम ही को रोक सकता है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि डोरेमोन अपने फोन बूथ का यूज करेगा और क्या अगर ड्रिप गोकू की पावर्स को खत्म कर दो गोकू खत्म हो जाएगा, तो तुम गलत हो। क्योंकि ड्रिप गोकू ने ऐसे गॉड्स को हराया है, मतलब डिफीट किया है, जिनके पास टाइम बूथ स्टॉप वॉच जैसी पावर्स हैं। और यही नहीं, अभी और सुनिए। और ड्रिप गोकू ने इन सबको सिर्फ अपनी 1% पावर से डिफीट किया था। इसके अलावा गोकू के पास स्पेस मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन जैसी पावर्स भी उपलब्ध हैं। एंड वो अपनी 0.001% पावर से किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट कर सकता है। और अब हम लोग चलते हैं अपने एग्जिस्टेंस खत्म करने वाले टॉपिक पे। तो अगर एग्जिस्टेंस खत्म करनी होती तो यही लोग क्यों नहीं ड्रिप गोकू भी खत्म कर देते, जबकि ड्रिप गोकू ने अपनी 1% पावर में ही इन जैसे गॉड्स को डिफीट किया है। तो डोरेमोन उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? तो अगर तुम्हें लग रहा है कि डोरेमोन उसके लिए चाय कम पानी है और क्या कहते हैं टेलीफोन बूथ भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो तुम अभी भी गलत हो। क्योंकि भले ही डोरेमोन अभी भी गोकू की एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वो एक काम अभी भी कर सकता है, वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। लेकिन लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वो काम ये है कि डोरेमोन फोन बूथ में ये भी तो बोल सकता है कि मुझे ड्रिप गोकू से ज्यादा पावरफुल बना दो, और इस तरह तो ड्रिप गोकू से डोरेमोन जीत जाएगा। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है अब तो तुम अभी भी गलत हो। अबे साले, क्योंकि ऐसा तभी संभव है जब डोरेमोन और गोकू अर्थ पर हो, क्योंकि टेलीफोन बूथ सिर्फ अर्थ पर ही यूज कर सकते हैं, किसी और प्लेनेट या यूनिवर्स पर फोन बूथ काम नहीं करता। और आप लोग तो जानते हो कि गोकू को यूनिवर्स ट्रेवल और प्लेनेट ट्रेवल बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो साफ साफ शब्दों में कहें तो अगर दूसरे प्लेनेट पर या दूसरे यूनिवर्स में डोरेमोन वर्सेस ड्रिप गोकू की फाइट हुई तो इस फाइट का ड्रिप गोकू होगा, लेकिन अगर इन दोनों की फाइट अर्थ पर हुई तो इस फाइट का विनर इजीली डोरेमोन होगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में तुम बताओ कि कौन विन करेगा इस फाइट को। तब तक के लिए बाय बाय।